हेलो दोस्तों, जय कबूतर। देसी हाई फ्लाइंग पिजन्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश माणिक खंडागड़े। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम बनाने वाले, जो टॉपिक के ऊपर जो वीडियो बनाने वाले, स्पेशली वो टॉपिक है दोस्तों, एक सिंगल कबूतर दो बच्चों को पाल सकता है क्या नहीं। तो ये जो सवाल किया है उनका नाम है अहमद अली भाई, जो स्पेशली रहते हैं पाकिस्तान में। दोस्तों, उन्होंने ये स्पेशली कमेंट किया है, बहुत ही अच्छा कमेंट किया है। थैंक यू अहमद अली भाई, क्योंकि आपकी वजह से जितने भी नए कबूतरबाज हैं उनको भी ये सीखने का मौका मिलेगा, कि उनको भी नॉलेज मिलेगा, एक सिंगल कबूतर नर हो या मादी, वो दो बच्चे एक साथ पाल सकते हैं क्या। एक्चुअली दोस्तों, उनका ये स्पेशली ये कमेंट है कि उन्होंने जोड़ा उनके घर पर है और अंडों में से बच्चे निकल आए, दो दिन हो गए और उनकी मादी, उनकी घर की मादी अचानक से उड़ गई। उड़ गई तो बाज, बेरी, शिकरा खा गई, पकड़ गई, या तो फिर वो जगह भटक के कहीं और चली गई और वो आई नहीं मादी रिटर्न। तो उनका कहना कि एक सिंगल नर कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कमेंट किया है। और जिस किसी भाई का भी ऐसे बहुत से किस्से होते हैं जो इस तरह होता है कि सिंगल कबूतर बच्चों को पाल सकता है क्या नहीं। तो ओके दोस्तों, प्लीज़ आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए। ओके दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम आपको लेके चलते हैं उस टॉपिक पर। प्लीज़ आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए। हेलो दोस्तों, जो हम टॉपिक है, एक सिंगल कबूतर दो बच्चों को पाल सकता है क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा अहमद अली भाई आपको, कि स्पेशली आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ऐसे ही कुछ नए नए सवाल आप करते रहो, ताकि हमारे जो जानने पहचान वाले जो कबूतरबाज है, जो नए कबूतरबाज, उनको भी सीखने का मौका मिल जाएगा आपकी वजह से। थैंक यू। और हमारे बाकी सभी सदस्य, बाकी जितने भी हमारे व्यूज़ वगैरह है, जितने भी सब्सक्राइबर हमारे देख रहे वीडियो, थैंक यू आप सभी का। तो मैं बोलना चाहूँगा, एक सिंगल कबूतर दो बच्चों को पाल सकता है क्या नहीं। तो दोस्तों, 100% में से 90% एक सिंगल कबूतर दो बच्चों को पाल नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ कुछ भाई हमारे कहेंगे अरे यार कुछ भी बोल रहा है ये। तो एक्चुअली दोस्तों, मैंने खुद आंखों के सामने मैंने देखा है कि 100% में से 90% एक सिंगल कबूतर नहीं पालते हैं, और 100% में से 10% यानी कि 10% जो होता है, वो 10% कबूतर जो एक कबूतर दो बच्चों को पाल सकते हैं, नर हो या मादी हो। वो क्यों पाल सकते हैं मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो जो सिंगल कबूतर होते हैं दोस्तों, उनमें एक ज़िद होती है, एकदम एक हौसला होता है कि मुझे मेरे बच्चे को पालना है, उनको बड़ा करना है। और उसके अंदर दोस्तों, उनको बहुत सारा प्रोटीन दिया जाता है, कैल्शियम दिया जाता है। अगर आप मिक्स दाना दोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों जो बच्चों को जब दाना खिलाते हैं माँ बाप, तो उनके जो शोल्डर होते हैं तो ऐसे वो दाना चुभने के टाइम पर आपने देखे होंगे कि वो शोल्डर वगैरह ऐसे हिलाते हैं। तो दोस्तों, ये जो शोल्डर वगैरह है उनको, उन वहाँ पर भी उनको भी वो ताकत लगती है वो खिलाने में। ओके दोस्तों, तो इस सिंगल कबूतर ज़िद पकड़ के वो बच्चों को खिला लेते हैं। ओके दोस्तों, और जो 90% है, जो 90% जो बच्चों को नहीं खिला पाते, तो वो क्यों नहीं खिला पाते, क्योंकि दोस्तों जब नर या मादी अगर भाग गई, समझो एक मादी भाग गई, अगर नर बचा है सिंगल, तो नर ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन तक कंटिन्यू बच्चों को दाना वगैरह खिला पाता है। 5 दिन के बाद वो मस्ती में आ जाते हैं, यानी कि किसी के मादी की देख के घुटरना वगैरह, तो बच्चों को भूल जाता है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि अगर ऐसे सिचुएशन आती है आपके पास, अगर नर भाग गया तो मादी सिंगल खिला रही है क्या नहीं, अगर मादी है तो नर भाग गया या नर है, ऐसा कुछ हो जाता है एक दो, तो दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा, सबसे पहले आप कंटिन्यू उस बच्चों को ध्यान दो कि माँ बाप, यानी कि अगर माँ भाग गई तो बाप एक सिंगल कबूतर बच्चों को खिला पा रहा है क्या नहीं। उसके पेट पे आप हाथ लगाओ, पोटा, कोई पोटा कहता है, कोई पेट कहता है, उसके पोटा पे आप हाथ लगा के चेक करो कि उसने दाना खिलाया है क्या नहीं खिलाया। अगर नहीं खिला रहा है तो मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपके जोड़े में, कुछ जोड़ों में अगर किसी ने अंडा दिया, अगर किसी का दो अंडे में से एक अंडा फूट गया और एक बच्चा निकल आया, तो एक बच्चा आप वहाँ पे घुमा सकते हो। या तो फिर अगर किसी के जोड़े के दोनों भी अंडे खराब हो जाते हैं, तो आप उसके नीचे एक बच्चा आप दे सकते हो, या दोनों ही बच्चे दे सकते हो। या तो फिर दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा, एक बच्चा आप खुद साइड में निकालो, क्योंकि एक बच्चों को एक नर सिंगल अकेला भी खिला सकता है। अगर वो नहीं हो सकता है तो दोस्तों, अगर आपके घर पर अगर किसी ने भी अंडे बच्चे नहीं दिए हो, तो आप दोनों बच्चों को अगर बाप खिला नहीं रहा है, तो आपको खुद को हाथ से ही पालना होगा। ओके, तो वो जो एक दिन के बच्चों को किस तरह हाथ से पाला जाता है, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अहमद अली भाई। तो मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आप जोड़े वाले कबूतर रख रहे हो, अगर आपको नस्ल बनानी है आपके घर पर, तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आप जितने भी जोड़े वाले कबूतर है सबके पर काट दो। अगर आपके पास बहुत सारा 10x10 यानी कि हाइट में 7 फुट और एकदम लंबा चौड़ा, अगर आपके पास लॉफ्ट है 10 फुट आड़े में, 10 फुट हाइट में आड़े में,
तो दोस्तों वो बोलना चाहूँगा कि आप वहाँ पे ओपन कबूतर रख सकते हो, लेकिन अगर आप कुछ कुछ भाई हमारे पत्रे पे पालते हैं, कुछ ज़मीन पे पालते हैं, कुछ टेरेस पे पालते हैं, तो उन्होंने जैसे ही दरबा खोल दिया तो डायरेक्ट कबूतर डायरेक्ट उड़ने में लग जाते हैं, डायरेक्ट आसमान देखने। तो वैसे भी कबूतर कुछ कुछ होते हैं, तो मैं बोलना चाहूँगा अगर आपको अगर ये जोड़े वाले कबूतर, क्योंकि हम जो जोड़ा लगाते हैं बड़ी मुश्किल से जोड़ा लगाते हैं क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी फिर नहीं मिल पाती है, तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि अच्छी क्वालिटी आप रखो घर पर और उनके पर काटो। पर काटने के बाद जितने बच्चे आपको लेना है वो बच्चे ले लो। और मैं बोलना चाहूँगा कि जितना हो सके आप मिक्स दाना दे दो, मिक्स दाना दोगे तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपके बच्चे वगैरह बहुत अच्छे पलेंगे। ओके अहमद अली भाई, आपको तो अभी पता ही चला होगा कि एक कबूतर बच्चों को पाल सकता है क्या नहीं पाल सकता है। 90% जो कबूतर होते हैं वो नहीं पालते और 10% है वो कबूतर को पाल लेते। अगर एक कबूतर दो बच्चों को पाल रहा है तो प्लीज़ आप चेक करते रहो बार बार कि बच्चों को दाना वगैरह टाइम टू टाइम मिल रहा है क्या नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो आपको हाथ से ही उनको दाना पानी करना होगा। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा जो हमारे नए भाई है, वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन है, प्लीज़ आप उसे प्रेस कीजिए। उसके आगे बेल आइकॉन होगा, उसे भी आप प्रेस कीजिए। उससे क्या होगा, जैसे हम नई नई वीडियो अपलोड करोगे सबसे पहले आप ही के पास आ जाएगी। ओके दोस्तों, अभी जो हम नए नेक्स्ट पार्ट जो बनाने वाले वो स्पेशली वो ये है, एक दो दिन के बच्चे, एक दिन के, दो दिन के, तीन दिन के जो बच्चे हैं उन्हें हाथ से किस तरह बड़ा करना चाहिए वो वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताना वीडियो कैसी लगी। ओके दोस्तों, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय कबूतर।